नी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज वेन इट कम्स टू एनी ऐसे क्वेश्चन जब भी कोई नया क्वेश्चन देखते हो तो यू गेट पर नहीं आता कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या करे और कैसे करें एंड ये मेजर प्रॉब्लम है आप लोगों के डिजायर्ड बैंड्स को ना लेके आने की सिक्स चाहिए पर फाइव आते हैं सेवन चाहिए पर सिक्स पॉइंट फाइव आते हैं वो यही रीजन है यार सच में अगर आपके ग्रामर ओके है ना और फिर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैम मेरी तो ग्रामर अच्छी है मैंने तो बैंड यूज करा पर मैम मेरा तो स्कोर ही नहीं आया तो यार मेरी बात ध्यान से सुनो स्कोर नहीं आने वाला है ऐसे स्कोर आने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक पे कैसे आइडियाज को जेनरेट करना कोई भी रैंडम टॉपिक आ जाए वो मैं समझाने वाली हूँ इस वीडियो में पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है और कैसे करना है सो बेसिकली लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है किसी भी क्वेश्चन को ले लो और कैसे डिसाइड करोगे आइडिया प्लान करने हैं सो लेट से क्वेश्चन इज major problem नाउ youngsters ओबिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम अमंग यंगस्टर्स नाउ nowadays. डू यू एग्री और डिसग्री अब इस क्वेश्चन में मेजर कीवर्ड्स कौन से हैं हमारे एक है ओबेसिटी और दूसरा है हमारा यंगस्टर्स ओबिसिटी अमंग यंगस्टर्स ये एक मेजर प्रॉब्लम है आजकल ठीक है मेजर कीवर्ड को पकड़ना है बस आपने जब आपको वो क्वेश्चन का मेजर कीवर्ड समझ आ गया ना यार लिटरली आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गई तो मुझे पता चल गया जी ओबिसिटी इन यंगस्टर्स इज अ प्रॉब्लम अब ओबिसिटी का अगर मतलब ही नहीं पता तो फिट्टे कुछ नहीं हो सकता ओबीसी का मतलब तो पता होना ही चाहिए ना मैं यहां पे भी बोल दू नहीं नहीं यार ओबीसीटी का मतलब नहीं पता फिर भी हो जाएगा नहीं होना नहीं होना एक्चुअली नहीं होना तो सबसे पहले ओबीसीटी का मतलब पता होना चाहिए ओबीसीटी होता है मोटापा मोटापा यंगस्टर्स में जो है वो क्यों है ठीक है ये एक मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में क्वेश्चन में ये नहीं पूछा क्यों है क्वेश्चन में पूछा है कि जो ओबिसिटी है यंगस्टर्स में ये एक मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में डू यू एग्री और डिसएग्री मैं तो एग्री करती हूँ टोटली totally एग्री करती हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को जंक फूड खिलाते हैं मोर ओवर इतना ज्यादा अवेलेबल है जंक फूड कि वो खाएंगे ही खाएंगे ना लास्ट अगर हम लोग खाएंगे तो वो क्यों नहीं खाएंगे है ना द थिंग तो हमें खाना कम करना पड़ेगा सो so डेट वो ना खाएं सो so अब आप एग्री करते हो कि नहीं करते कि ओबेसिटी मेजर प्रॉब्लम है यंगस्टर्स में या नहीं आई टोटली एग्री कि एक मेजर प्रॉब्लम है इसकी वजह से वो लेथार्जिक हो रहे हैं लेजी हो रहे हैं बस खाने पे ही उनका मेन फोकस है और किसी चीज पे नहीं इतनी ज्यादा वेराइटी अवेलेबल है कि बस वो पूरे दिन खाते रहते हैं और क्या प्रॉब्लम है ये एक प्रॉब्लम है तो क्यों है इसकी वजह से उन्हें भी हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है दो प्रॉब्लम दो रीजन बताना मैं टोटली totally एग्री कर रही हूँ दो रीजन बताना मोर देन इनफ है ठीक है ये हो गया एक क्वेश्चन जिसके बेसिस पे आपको समझ आया ऐसे ही आपने कोई भी टॉपिक्स लिया करो नए नए टॉपिक लिया करो जैसे ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग ले लिया आपने ठीक है नेक्स्ट ले लिया एयर पॉल्यूशन ठीक है अब जब ग्लोबल वार्मिंग एयर पॉल्यूशन है सोचो कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या है सोल्यूशन क्या है एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या है सोल्यूशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग मेजर कॉज ग्लोबल वार्मिंग का डिफॉरेस्टेशन है डू यू एग्री और डिसएग्री खुद क्वेश्चन फ्रेम करो एक टॉपिक के बेसिस पे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सो so, टॉपिक्स ले लो हेल्थ एनवायरमेंट टूरिज्म से रिलेटेड ठीक है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ऐसे अलग अलग टॉपिक्स ले लो समझ आ जाएगा सब कुछ ठीक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन और ले, ले लेते हैं वीडियो को प्लीज स्किप मत करो यार एंड तक देखो तभी समझ आएगा ये वाले क्वेश्चन में मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉरपोरल पनिशमेंट का मीनिंग नहीं पता होगा पनिशमेंट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन कॉरपोरल पनिशमेंट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन वॉट डू थिंक अबाउट इट सो कॉरपोरल पनिशमेंट का मीनिंग नहीं पता तो यार बेड़ा गर्ग है सच्ची में क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट ही एक मेजर कीवर्ड है हमारे क्वेश्चन का ठीक है देखो ध्यान से समझो हमें बस कोई भी क्वेश्चन ले लेना क्वेश्चन में से जो हमारा मेजर कीवर्ड है ना उसको पकड़ लेना है उसको पकड़ने के बाद सोचना है कि उसका मीनिंग क्या है उसका मीनिंग समझ आ गया तो हाफ द बैटल इज वन फिर हम आगे का, का काम कर सकते हैं तो यहां पे कॉर्पोरल पनिशमेंट का मीनिंग ही नहीं समझ आया तो आंसर कैसे लिखोगे सो so, कॉरपोरल पनिशमेंट इज फिजिकल पनिशमेंट स्कूल में बच्चों को मारा जाता था अब नहीं मारते आई बिलीव किस किसके कि स्कूल में अभी भी पिटाई होती है प्लीज यार मुझे बताना या कहीं पर अगर अभी भी चिल्ड्रन को मारा जाता है स्कूल में सो डू लेट मी नो बट इन माई नॉलेज अब फिजिकल पनिशमेंट नहीं होती स्कूल में जितना मुझे लग रहा है ठीक so, है सो कॉरपोरल पनिशमेंट इज फिजिकल पनिशमेंट इन स्कूल की टीचर्स जो हैं वो पिटाई करती है बच्चों की स्कूल में डैट्स द क्वेश्चन तो वो कह रहे हैं कि जो कॉरपोरल पनिशमेंट है इसका नेगेटिव इफेक्ट है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे एक जो चाइल्ड है या चिल्ड्रन है उनकी डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट है कॉरपोरल पनिशमेंट का व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट मैं तो कहती हूँ टोटली है टोटली है फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे के माइंड में फियर हो जाएगा उसको स्कूल से डर लगने लग जाएगा उसको लगेगा कि स्टडी करनी ही नहीं है नेगेटिव इफेक्ट है डेफिनेटली है मैं टोटली totally एग्री करती हूं और सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट उनकी कोग्नेटिव वेलबिंग well पे है मतलब उनकी मेंटल हेल्थ पे है ठीक है दूसरी चीज ऐसा हो सकता है कि वो स्टबर्न बन जाएंगे उन्हें पता है कि मार तो पढ़नी ही पड़नी है पढ़नी ही पड़नी है तो वो स्टबर्न हो जाएंगे जिद्दी हो जाएंगे उन्हें लगेगा ठीक है ना नहीं करा तो मार पड़ जाएगी मैं होमवर्क क्यों करूं मार तो पढ़नी ही है एक और चीज इससे हो सकती है जब फिजिकल पनिशमेंट होती है स्कूल में तो बच्चों को लगता है कि यार मारना गलत नहीं है हो सकता है कि वो भी अपने यंगर वंस को को मारे को मारे यंग तो वैल्यू तो स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है इस तरीके से यार किसी भी टॉपिक को ले लो और आइडियाज जेनरेट करो इतना मैं श्योर हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है या फिर सेंटेंसेस पे फोकस करना है तो मेरी बैंड ब्रू वाली वीडियो देखना पिक्स की ये वो जो मैंने यूज करे थे इन ऑर्डर टू गेट अ गुड बैंड स्कोर इन राइटिंग एक्चुअली बैंड स्कोर ऑफ एट इन राइटिंग सो गो थ्रू दीज टू वीडियोज एज वेल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियोज कैसी लगी थैंक यू सो मच एंड आई सी यू अगेन इन द वीडियो ऑफ माई